तो दोस्तों आज हमारे पास जियो का 2403 फोन है और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्रिएट है 50% वाली। तो आप देखेंगे अभी कि जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं और बैटरी को लगाने के बाद चार्ज पे लगाते हैं तो क्या ये बताता है। तो देखिए मोबाइल चालू हुआ है और इसमें ये 50% की प्रॉब्लम दोस्तों बता रहा है, यानी कि ये दोस्तों बैटरी लगभग लगभग 80 से 90% चार्ज है फिर भी ये 50% बता रहा है। और दोस्तों इसमें अगर बैटरी डिस्चार्ज भी डाल देते हैं तब भी ये 50% ही बताता रहता है। तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा वो आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों अभी ये बैटरी देख सकते हैं, अभी हम यहीं पर रख देते हैं और यही बैटरी हम डाल के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं तो ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है। तो देखिए दोस्तों इसमें ये बैटरी कनेक्टर जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये चेंज किया हुआ बैटरी कनेक्टर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी आगे लगाया गया है सोल्डिंग और यहाँ पे भी सोल्डिंग की गई है, तो इसका मतलब ये दूसरा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है और दूसरा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट है। दोस्तों ये प्रॉब्लम आती बेसिकली ये बीच वाले पॉइंट से है, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये इस पॉइंट से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आपको मल्टीमीटर चेक कर लेना है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे जम्पर लगा देना है। तो दोस्तों देखिए इस बार बीच वाले पॉइंट पे, तो बेसिकली होता क्या है कि कई बार आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज दिखाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बैटरी को तो यहाँ से ये छोड़ देता है। तो इस वजह से अगर आपको 50% वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको यहाँ से एक जम्पर बीच वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगा देना। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे एक जम्पर लगा देते हैं। अगर आपका ये वाला पॉइंट भी मिस हो गया है ये वाला, तो आप इस वाली रेजिस्टेंस पे लगा सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है ये वाली, इसके इस साइड लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम जम्पर लगा के देख लेते हैं बीच वाले पॉइंट से। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, तो एक पॉइंट हमने देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया है ये, आप चाहें तो इस वाली रेजिस्टेंस के आगे भी लगा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने लगा दिया है ये, तो इस तरीके से हमने जम्पर लगा दिया है। और अभी फिलहाल में अभी इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं और चेक करा देते हैं आपको कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। दोस्तों अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो और इसी तरह टॉपिक लेके आते रहते हैं। तो चलिए अभी चार्जर लगा दिया है और मोबाइल को चालू होने का समय देखते हैं कितने। तो देख सकते हैं 99% बैटरी चार्ज थी हमारी, वही हम बता रहे थे आपको कि बैटरी हमारी चार्ज है। देखिए और बैटरी हमारी चार्ज है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट थी इस वजह से ये। तो इस तरीके से जम्पर आप लगा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।